तांतिया टोपे, इस फाइल में अपन देखते हैं तांतिया टोपे संबंधित जो अपने पास डिटेल्स हैं उनके बारे में। ठीक है, ये जो अपन अभी देख रहे हैं माइक्रो के रूप में देख रहे हैं, बाकी डिटेल में इस फाइल के ऊपर में पेज में वहां से भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले रामचंद्र, तो रामचंद्र जो था ये तांतिया टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र। नाना साहब मतलब कानपुर के नाना साहब और झांसी की पराजय होने के बाद टोपे अगस्त 1857 में टोपे जो है ग्वालियर से मांडलगढ़ राजस्थान आते हैं। तो क्वेश्चन यही है कि इनका टाटा टोपे का राजस्थान में कब प्रवेश है, तो वो है अगस्त 1857 में। फिर अपन देखते हैं 9 अगस्त 1857 में कुहाड़ा का युद्ध, कुहाड़ा कुहाड़ा का युद्ध, ये कोठारी नदी के किनारे। ठीक है, यहाँ टोपे और रॉबर्ट टोपे और रॉबर्ट के बीच में युद्ध होता है जिसमें टोपे टांटे टोपे पराजित होते हैं और टांटे टोपे जो है नाथद्वारा जाते हैं बूंदी होते हुए। ठीक है, तो मांडलगढ़ से पहुंच गए नाथद्वारा। फिर बूंदी के जो शासक थे राम सिंह, उन्होंने टांटे टोपे का सहयोग करना चाहते थे, इच्छुक थे, परंतु होम्स अंग्रेज ऑफिसर होम्स का डर से उन्होंने सहयोग नहीं किया और उन्होंने टांटे टोपे के लिए बूंदी की दीवार दरवाजे बंद कर लिए राम सिंह ने। ठीक है, सूर्यमल मिश्रण, ये मिश्रण है सूर्यमल मिश्रण, जिन्होंने किताब लिखी है वीर सतसई, उस किताब में वो लिखते हैं कि राम सिंह ने टोपे को बूंदी के राजकोष से 7 लाख रुपए लूटने दिए थे। तो कहीं ना कहीं अपन को ये संकेत मिलता है कि बूंदी का शासक राम सिंह जो थे वो तात्या टोपे या क्रांतिकारियों के सहयोगी थे। ओके, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं कि कोठारिया, कोठारिया ये उदयपुर खेरवाड़ा, कोठारिया का जो रावत थे जोत सिंह, ये भी तात्या टोपे के सहयोगी थे। और जैसे अपन ने देखा है कि जोत सिंह ने कुशाल सिंह चंपावत का भी सहयोग किया था। फिर 13 अगस्त 1857 को नाथद्वारा के महंत गोस्वामी तिलकायत गिरधर, ये भी टांटे टोपे के समर्थक थे और इन्होंने श्रीनाथ जी के दर्शन करवाए तांते टोपे को। ओके, तो तीन अपन समर्थक देख चुके हैं तांते टोपे के, एक तो राम सिंह बूंदी शासक, देन कोटारिया के रावत जोधा सिंह, एंड देन नाथद्वारा के महंत गोस्वामी तिलकायत गिरधर। फिर अपन देखते हैं 14 अगस्त 1857 को रूपनगढ़ का युद्ध, नाथद्वारा के पास बनास नदी किनारे, वहाँ अंग्रेजों तांते टोपे के बीच में युद्ध होता है और उसमें तांते टोपे पराजित होते हैं। फिर तांते टोपे बाकी झालावाड़ जाते हैं और झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह को हटाकर सिंहासन पर अधिकार कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं तुलम का युद्ध। ठीक है, इसमें अंग्रेज अधिकारी पार्क और तांते टोपे के बीच में होता है, इसमें तांते टोपे पराजित होते हैं और तांते टोपे पराजित होकर मध्य प्रदेश चले जाते हैं। फिर मित्र अपन देखते हैं 11 दिसंबर 1857 को तांते टोपे बांसवाड़ा पर अधिकार कर लेते हैं, वहां के शासक लक्ष्मण सिंह को हरा के। ये क्वेश्चन आएगा 11 दिसंबर 1857 बांसवाड़ा पे कब अधिकार हुआ, 11 दिसंबर 1857, और बांसवाड़ा के शासक किसको अपदस्थ किया, लक्ष्मण सिंह, जैसे झालावाड़ में कौन थे, पृथ्वी सिंह। ऐसे लेकिन अंग्रेज अधिकारी लिन माउथ द्वारा पराजित किया गया तांते टोपे को। फिर तांते टोपे भाग के टोंक आ जाते हैं। टोंक का नवाब नासिर मोहम्मद खान तांते टोपे का समर्थन करता है, लेकिन ईडन जो थे पॉलिटिकल एजेंट जयपुर के, उनके द्वारा तांते टोपे का दमन किया जाता है। 21 जनवरी 1859 को तांते टोपे जयपुर अलवर होते हुए सीकर पहुंचते हैं और वहाँ उनके साथी थे मानसिंह नरूका, जो इनके फ्रेंड थे पहले के। और ये मानसिंह नरूका जो थे, ये नरवर नरवर जो अपने एमपी के अंदर पड़ता है, नरवर मैंने लिखा हुआ देखो शिवपुरी मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो वहाँ के ये जागीरदार भी थे, तो सीकर में तो मिले और फिर बाद में शिवपुरी मध्य प्रदेश में इस जागीरदार ने विश्वासघात किया और नरवर शिवपुरी मध्य प्रदेश के जंगलों से टाटे टोपे को गिरफ्तार कर लिया गया। और सीकर में मिलने के बाद मानसिंह नरूका ने सकुशल वापस भेजा टाटे टोपे को शिवपुरी, और वहाँ धोखे से इन्होंने नरवर के जंगलों में टाटे टोपे को अरेस्ट करवा दिया। और ये शिवपुरी कहाँ पड़ता है, जैसे अपन देखेंगे 12 12 के पास में, जैसे जो एमपी में है वो शिवपुर एंड देन शिवपुरी है, 12 के बिल्कुल एडजॉइनिंग। जैसे ये अपन जैसे मैप देखें राजस्थान का, इंडिया का मैप बताता हूँ, ये देखो ये अपने राजस्थान का मैप है, इसमें 12 12 के पास में, सॉरी सवाई माधोपुर के पास में ये शोपुर है, यहाँ आर लिखा हुआ जाना, यहाँ शोपुर है, आर के बगल में शोपुर है, ये आर के बगल में, यहाँ ये शोपुर है, ये यहाँ तो शोपुर है, ये शोपुर, और उसके बाद में यहाँ आगे शिवपुरी है। ठीक है, तो यहाँ शिवपुरी नरपुर के नरवर के जंगल में टांटे टोपे को अरेस्ट करवा दिया मानसिंह नरूका ने धोखे से। सवाल तो आएगा मानसिंह नरूका। फिर देखते हैं अपन 8 अप्रैल 1859 को न्यायाधीश बाघ, ठीक है ना, बाघ बाघ द्वारा फांसी की सजा दी गई।
तो जैसे आपने देखा होगा ये बाघ नाम पहले भी आया था, ठीक ठीक है, लेकिन वो सेम बाघ नहीं होने का, बाघ तो वो जैसे थे अपने मतलब मंगल पांडे ने जिनको गोली मारी थी वो बाघ अधिकारी थे, ठीक है, और ये न्यायाधीश बाघ है। न्यायाधीश बाघ द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई थाने टोपे को, और उसके फलस्वरूप अकॉर्डिंग 18 अप्रैल 1859, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट है, शिवपुरी में उनको फांसी दे दी गई। शिवपुरी मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश में जिला है शिवपुरी, और वहीं से अरेस्ट हुए थे नरवर से। फिर 1862 में सीकर के सामंत को बंदी बनाकर उसे 1862 में मृत्युदंड दे दिया गया, मानसिंह नरू का, और वो बांसरागढ़ का जो किला था उसको ध्वस्त कर दिया गया। तो इस प्रकार अपन देखते हैं तांटे टोपे जैसलमेर के अलावा राजपूताना राज्य की प्रत्येक रियासत में घूमे थे, ठीक है, जैसलमेर में नहीं गए थे सिर्फ, क्योंकि वो काफ़ी एक्सट्रीम था, दूर था और जाना संभव नहीं था, रेगिस्तान में पकड़े जा सकते थे। तो इस प्रकार अपन ने देखा राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत अजमेर से हुई, फिर बाद में नसीराबाद, मतलब अजमेर में नसीराबाद से हुई, और समाप्ति कहाँ हुई, शिवपुरी में तांते टोपे को फांसी देने से हुई, ठीक है, 18 अप्रैल 1859। फांसी कब दी गई, 18 अप्रैल 1859, ठीक है, 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी गई। और शुरुआत जैसे अपन देखते हैं नसीराबाद से, तो ये कब हुई थी, 28 मई 1857, है ना, 1857, तो 28 मई को शुरुआत हुई थी इसकी और 18 अप्रैल को ख़त्म हो गई, ठीक है, दोनों जैसे 18 से हो गया, 28 से हो गया 18, और मई का हो गया अप्रैल, ऐसे अपन को ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। तो 28 मई 1857 को शुरुआत हुई विद्रोह की और 18 अप्रैल को खत्म होगी, दोनों ही कम हो रहे हैं वापस, जैसे 28 से 18 हो गया, कम हो गया, मई से अप्रैल हो गया, वो भी कम हो गया, साल बढ़ गए वह 57 से 59 हो गया ऐसे। तो 28 मई से शुरू, 28 मई 1857 शुरू, 18 अप्रैल 1859 को खत्म हुआ। फिर अपन देखते हैं मित्रों कि राजस्थान में 1857 का विद्रोह किसी संयोग का परिणाम नहीं था, बल्कि अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध सर्वव्यापी रोष का परिणाम था, जैसे अपन ने सामंती रोष देखा ही डूंगरजी चौहान जी के माध्यम से ऐसे, ठीक है फ्रेंड्स। फिर अपन देखते हैं निम्न तथ्यों से स्पष्ट होता है कि जन साधारण अंग्रेजों के से अपनी मातृभूमि को आजाद कराना चाहते थे, इसलिए ये लोकप्रिय विद्रोह था। ये जब अपन स्वरूप वाला आंसर लिखते हैं ना कि 1857 के विद्रोह का स्वरूप क्या था, उसमें बिंदु काम आता है, जैसे अपन ने देखा नसीराबाद और एरनपुर में विद्रोह का स्वरूप भारतव्यापी विद्रोह था, मतलब काफी बड़े पैमाने पे वो हुआ कि वहां से करके फिर वो आगे दिल्ली तक जाने की पहुंचे विद्रोही। टोंक व कोटा की साधारण जनता ने भी इसमें भाग लिया, तो इस कोटा में अपन ने देखा ही 6 माह तक राजा को बंदी बनाए रखा। फिर इस विप्लव काल में मरने वाली सर्वाधिक आम जनता ही थी, ठीक है, सैनिक भी बहुत कम मरे, सबसे ज्यादा जो मरी वो आम जनता थी। तो इन तथ्यों से स्पष्ट होता है कि ये विद्रोह लोकप्रिय विद्रोह था। तो मित्रों देखते हैं 1857 की क्रांति के समय राजपूताने का सबसे बड़ा अंग्रेजी हिमायती जो था वो बीकानेर का शासक सरदार सिंह रहा, जबकि शाहपुरा के शासक लक्ष्मण सिंह ने तनिक भी सहयोग अंग्रेजों का नहीं किया था। तो ये बीकानेर के शासक जैसे अपन देखेंगे सरदार सिंह, ठीक है, तो ये अपनी ऊंट रेजिमेंट राजस्थान से बाहर हिसार में भी, हिसार हरियाणा में भी ये अपनी ऊंट रेजिमेंट लेके गए थे, और फिर 41 प्रगने में इनको जागीर दी गई है। फिर अपन देखते हैं सबसे लंबे समय तक 6 माह तक कोटा रियासत क्रांतिकारियों के चुंगुल में रहा। फिर फ्रेंड देखो फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मारवाड़ के प्रसिद्ध कविराज बांकीदास, इनको उपाधि मिली थी कविराज की, मारवाड़ के थे, बांकीदास ने अपनी कविताओं में तत्कालीन शासकों को के अंग्रेजों की गुलामी की मनोवृत्ति का विरोध किया है, ठीक है। तो ये पूछा जाएगा बांकीदास कहाँ के थे, मारवाड़ के थे। फिर देखो ये सूर्यमल मिश्र ने कथन है, ये लोग मतलब अंग्रेज समर्थक भारतीय राजा हिमालय से भी गले हुए निकले, अर्थात निकम्बे सिद्ध हुए, ठीक है। तो जैसे हिमालय की बर्फ थोड़े से तापमान में पिघल जाती है, ऐसे भारतीय राजा जो थे वो अंग्रेजों की थोड़ी सी धमकी से ही डर गए। तो ये सब सूर्यमल मिश्र ने पिपलिया के ठाकुर को पत्र में लिखे थे, ओके। तो फ्रेंड्स अपन एक क्वेश्चन देखते हैं कि 1857 की क्रांति का स्वरूप क्या था, क्योंकि क्वेश्चन आता है मेन में, तो यहाँ ब्रीफ में अपन देखते हैं छोटे में कि अंग्रेज कप्तान प्रिचार्ड ने इसको सैनिक विद्रोह बोला है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर सैनिक छावनियों के से शुरू हुआ और वो इनके मेन सेंटर थे, जैसे अपन ने देखा नसीराबाद, एरनपुर, नीमच ऐसे, ठीक है। फिर इसका अपन खंडन भी करते हैं कि सैनिक विद्रोह, सैनिक छावनियाँ नहीं थी, अलग जगह भी शुरुआत हुआ, जैसे कोटा में कोई सैनिक छावनी नहीं थी, आहुआ में कोई सैनिक छावनी नहीं थी, टोंक में कोई सैनिक छावनी नहीं थी, देवली में थी लेकिन टोंक हेडक्वार्टर में कोई ऐसी नहीं थी, खैरवाड़ा में नहीं थी, यूँ।
फ्रेंड्स अपन देखते हैं नाथूराम खड़गावत इतिहास, भारतीय इतिहासकार, इन्होंने लिखा है कि ये सामान्य जनता द्वारा किया गया लोकप्रिय विद्रोह था। तो ये सारे तथ्य जो ऊपर अपन ने देखे हैं अभी कि जनता ने इसमें भाग लिया, एरनपुरा हुआ, नीमच के अंदर ये भारतव्यापी बना ऐसे। तो डॉक्टर ताराचंद, भारतीय इतिहासकार के अनुसार सामंत वर्ग द्वारा अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का ये अंतिम प्रयास था। तो सामंत वर्ग कैसे, मतलब अंग्रेजों के आने से इनके विशेषाधिकार छिन गए थे, तो सामंतों का ये विद्रोह था। मेलिसन, अंग्रेज इतिहासकार ने इसको जागीरदारों का विद्रोह बताया है जो अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पाना चाहते थे। ठीक है, फिर ये यहाँ रिपीट हो गया, इसको छोड़ दो। क्रांति का स्वरूप सेम ही रिपीट हो गया। फिर अपन देखते हैं क्रांति के परिणाम क्या निकले। ठीक है, कि क्या कि शासकों को अंग्रेजी राज्य का समर्थक मान लिया गया और इन शासकों से बात करने के लिए वॉइस रॉय, VICER वॉइस रॉय, ठीक है ना, पहले गवर्नर जनरल चलता आ रहा था, अब गवर्नर जनरल के साथ साथ उसको वॉइस रॉय भी बोला जाने लगा। ठीक है, तो वॉइस रॉय का मतलब अब जब ये एक व्यक्ति है, जब ये व्यक्ति ब्रिटिश भारत से बात करेगा तो इसको पहले की तरह गवर्नर जनरल बोलते थे, और जब ये व्यक्ति देशी रियासतों से बात करता था महारानी के प्रतिनिधि के रूप में तो इसको वॉइस रॉय बोलते थे। ठीक है, व्यक्ति एक ही है लेकिन उसके दो काम हो गए। फिर अपन देखते हैं कि 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया तो उससे ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी जो भारत में राज था वो खत्म हो गया और ब्रिटिश क्राउन ने सीधा अपने अंडर में सारा भारत का प्रशासन ले लिया था। वो इंडियन हिस्ट्री में काफ़ी डीप में है, वहाँ देखेंगे। फिर सामंतों, जागीरदारों को अंग्रेजी राज्य का शत्रु मान लिया गया, उनके दमन के लिए और काम किए गए। फिर सेना के सुचारू गमन के लिए सड़क निर्माण किया गया। ठीक है, जैसे अभी अपन ने देखे थे जैसे छावनियाँ दूर दूर थी, फिर अजमेर, सेना भी अंग्रेजी सेना भी इधर उधर से आती थी तो उसमें टाइम लगता था विद्रोह के समय, तो उसको फिर भविष्य में ऐसा नहीं हो तो सड़क निर्माण किए गए। जैसे जयपुर से डीसा तक, डीसा अपने गुजरात में है, जयपुर से डीसा तक वाया अजमेर पाली होते हुए सड़क बनाई गई और 1865 में सड़क पूर्ण हो गई। देखो करीबन करीबन विद्रोह के 5 साल के अंदर ही पूर्ण हो गई। फिर नसीराबाद से नीमच तक वाया चित्तौड़ होते हुए सड़क बनाई गई जो 1875 में पूर्ण हो गई। तो देखा अपने नीमच तक मेवाड़ से निकल के गया था शावर्स, फिर कैसे डूंगला में उसको वापस मतलब अंग्रेज परिवारों की उसने मदद करी, तो ऐसे ही सड़क निर्माण हुए। ठीक है, तो अपन ने देखा उत्तर से दक्षिण जोड़ा, जयपुर से डीसा तक, और इधर अपन ने जैसे देखा कि नसीराबाद से लेके और नीमच तक सड़क बनी। फिर राजस्थान में रेल लाइन बिछाने का कार्य प्रारंभ हुआ जिससे कि सुचारू प्रशासन और जरूरत पड़े तो सेना को इधर उधर अपन तत्काल भेज सके अंग्रेज सरकार। फिर क्रांति में जैसे अपन असफलता के मेन कारण देखते हैं, अंग्रेज शासकों का सहयोग दिया जाना, मतलब अंग्रेजों को शासकों का सहयोग मिला। फिर अंग्रेजों के पास बेहतर संसाधन थे, बेहतर संचार व्यवस्था थी, बेहतर जैसे टेलीग्राम वगैरह ये सारे उनके पास बेहतर थे, सैनिक अच्छे उनके पास ट्रेन थे, रुपये सैनिक। ठीक, फिर क्रांतिकारियों के भविष्य की रणनीति का अभाव था क्रांतिकारियों में। ठीक, क्रांतिकारियों में सिर्फ ये था कि वो अपना लोकल सोच रहे थे, उनमें ये नहीं था कि इनके जाने के बाद अगर अंग्रेजों को अपन भगा देंगे तो कौन भारत की सत्ता संभालेगा। तो जैसे उन्होंने बहादुर शाह जफर को बनाया अपना नेता क्रांतिकारियों ने, तो बहादुर शाह जफर तो खुद ही एक मतलब पेंशन पर डिपेंड थे अंग्रेजों की, और अंग्रेजों की बिल्कुल दया पे वो डिपेंड थे पहले भी, 1857 से पहले भी। जैसे ऑलमोस्ट अकबर जीते के बाद जितने भी मुगल बादशाह बने परवर्ती, तो सब अकबरों की मतलब अपने अंग्रेजों की सहायता पर निर्भर थे, और जफर का खुद का कोई भविष्य नहीं था अपने आप में। तो एक भविष्य के प्रति क्लियर कट स्पष्ट दृष्टिकोण क्रांतिकारियों के पास नहीं था। ओके, तो ये था देखो इस फाइल के अंदर। तो अपन ने जैसे देखा 1857 का पूरा जो विद्रोह का स्वरूप और विद्रोह संबंधी जो घटना है वो सभी अपन ने देखी। तो इसको फिर क्वेश्चन वाली फाइल के साथ आप रीड करो तो काफ़ी फैक्ट्स याद रहेंगे। ओके।